नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वैग न्यूज। मैं प्रीति चंदा एक बार फिर हाजिर हूँ देश प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देश में 24 घंटे में कोरोना के 54,366 नए केस सामने, 690 लोगों की मौत। दिवाली छठ से पहले लोगों को बड़ा तोहफा, यूपी के 5 जिलों से बिहार के लिए बस सर्विस हुई शुरू। इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, कहा यूपी में 100% मास्क पहने लोग, सड़कों गलियों में तैनात हो पुलिस। रामपुर प्रशासन की अनोखी पहल, मिशन शक्ति के तहत बेटियों को सौंपी जिले की कमान। बिहार में पहली रैली, पीएम मोदी बोले 370 पलटने की बात करने वाले किस मुंह से मांग रहे हैं वोट। मोदी सरकार ने 130 करोड़ भारतीयों को कोविड-19 टीका देने के लिए 50,000 करोड़ की व्यवस्था। दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट में यात्री बोला विमान में है आतंकी, मचा हड़कंप। घर से ट्रेन तक का आपका सामान पहुंचाएगी रेलवे, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। दुर्गा पूजा के पंडाल में मजदूरों के मसीहा सोनू सूद का स्टेचू, एक्टर बोले ये सबसे बड़ा अवार्ड। रिलीज होते ही दिख गया मिर्जापुर का भोकाल, दर्शकों ने बताई बेस्ट वेब सीरीज। भागलपुर में जमीन विवाद में 2 साल की बच्चे की गला दबाकर हत्या, खेत में फेंका शव। मुंगेर में घर में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री, 3 हथियार तस्कर और बनाने वाले को किया गिरफ्तार। हाथरस कांड में साजिश के एंगल से मामले की जांच करेगी यूपीएसटीएफ। भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की सशस्त्र मंजूरी। दिल्ली दंगे में आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में एक और आरोपी की जमानत याचिका खारिज। पंजाब के होशियारपुर में बलात्कार के बाद बच्चे की हत्या और फिर शव पर लगा दी आग। बिहार चुनाव रैली से पहले बोले राहुल गांधी, आइए झूठ और कुशासन से पीछा छुड़ाए। नहीं बढ़ाई जाएगी कैदियों के अंतरिम जमानत की अवधि, 2,318 को अदालतों में आत्ममरण करने का दिया निर्देश। मुश्किल में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, 45 साल बाद पुराने मामले में जारी हुआ गैर जमानती वारंट, कुर्की का भी नोटिस। यूपी आने में अब अतीक अहमद को लग रहा है डर, कोर्ट में अर्जी देकर कहा पेशी से छूट मिले। धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, बेहद जहरीली होती जा रही है राजधानी की हवा। एटा में डेंगू के डंक ने मचाया मौत का तांडव, भय में पलायन कर गए कई गांव वाले। मेरठ के आसमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बिना टेलीस्कोप दिख रहा नजारा। किसान आंदोलन के कारण रद्द हुई 12 त्योहार स्पेशल ट्रेनें। हाथरस केस के खिलाफ वाल्मीकि समाज के 236 लोगों ने अपनाया बौद्ध धर्म, अब पुलिस ने दर्ज किया FIR। खबरों का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।